राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होते ही दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सालों से रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती में जश्न का माहौल है। बिल पास होने के बाद बच्चे हाथों में तिरंगे लिए पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनकी जुबान पर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे हैं। लंबे समय से इस दिन की उम्मीद में बैठे बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। यहाँ रहने वाले एक परिवार ने संसद में विधेयक पारित होने के बाद अपनी बेटी का नाम नागरिकता रखा। बेटी की दादी मीरा दास ने कहा कि बच्ची का जन्म सोमवार को हुआ था और परिवार ने उसका नाम नागरिकता रखने का फैसला किया है। ये खुशी के मारे हमने नागरिकता इसका नाम ही नागरिकता रख दिया। इसी की वजह से बताने नागरिकता मिल जाए, सारे मजनू टीले के जो पाकिस्तान से आए हुए उन सब को नागरिकता मिल जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे को मेरे को बहुत उम्मीद है, किसी को हो ना हो एक माँ को बहुत उम्मीद है कि मेरी जैसे बच्ची होगी। इसका नाम मैंने खुशी से नागरिकता रख दिया तो हमारे को नागरिकता मिल ही जाएगी। मोदी से ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची की तरफ से हमारे को नागरिकता मिल जाए। नागरिकता संशोधन विधेयक पर बुधवार को जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी उस वक्त दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रेडियो से चिपके ध्यान से बहस सुन रहे थे, जबकि कुछ फोन पर खबर देख रहे थे, क्योंकि ये विधेयक भारत को आशियाना बनाने की उनकी इच्छा पर मुहर लगाने वाला था। मजनू का टीला इलाके में टेंट, बिना प्लास्टर की दीवार और टिन की चादरों से बनी छत के नीचे गुजर बसर कर रहे 750 पाकिस्तानी हिंदू पड़ोसी देश से शरण की आस में आए थे। कई अन्य परिवार रोहिणी सेक्टर 9-11 आदर्श नगर और सिग्नेचर ब्रिज के आसपास रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदुओं में शामिल 42 साल की सोना दास 2011 में सर्दरात में धार्मिक यात्रा के नाम पर 15 दिनों के वीजा पर कपड़े के झोले के साथ हैदराबाद पाकिस्तान से आए थे और उन्हें नहीं पता था कि उनके और परिवार का भविष्य क्या होगा। 8 साल में कई बार प्रदर्शन और अदालती मुकदमों के बाद दास पत्नी और 9 बच्चों के साथ रह रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस विधेयक से उनकी जिंदगी में स्थिरता आएगी। दास कहते हैं कि हम चूल्हे पर खाना पकाते हैं और सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली बैटरी की मदद से घर में रोशनी करते हैं। केवल 2 या 3 घरों में ही टीवी है। नगर निगम ने पानी की व्यवस्था की है लेकिन सीवर की सुविधा नहीं है। सरकार हमारी नहीं सुनती क्योंकि हमारे पास मतदान का अधिकार नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका था। विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर इन देशों से आए गैर मुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता पाने के लिए केवल 5 साल तक ही देश में रहने की अर्हता होगी, जबकि पहले ये मियाद 11 साल थी। इस विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। विपक्षी इसे अनैतिक बता रहे हैं, लेकिन मजनू के टीले में माहौल एकदम अलग है। वे मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जय हिंद और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहां जमे कुछ लोग, जिनमें से अधिकतर दैनिक कामगार हैं, उनमें बुधवार को यही चर्चा थी कि राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। मोदी सरकार ने और अमित शाह ने जो कदम उठाया है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इससे हमारे जो भी यहाँ के रहने वाले हैं जिनको नागरिक नहीं मिली उनको हर नागरिक भी मिल जाएगी और उसके अलावा नागरिक के बाद वो हर सुविधा से जो है उन्हें हर सुविधा मिल जाएगी।